आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करते साथी डॉक्टर लालता प्रसाद, बीआर अहरवार, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर महंत और कार्यकर्ता, इन्होंने एक संस्था बनाई है जिसके माध्यम से लोगों को मिशन से जोड़कर मिशन और मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इनका कार्यक्रम नाना राव पार्क कानपुर में भीम भोज के नाम से होता है, किंतु कुछ षड्यंत्रकारी प्रशासनिक तबके के चलते नाना राव पार्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यक्रम को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अम्बेडकरवादियों को आंदोलित होकर अपने मूवमेंट को पूरा करना चाहिए। आज के सभी आए हुए के सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना रविवार का समय अपने घर में न देके हम लोग साथ एकत्रित होने का मौका दिया। वैसे तो 12 साल से हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मारक संस्थान का क्या लिया था, तब से भीम भोज का आयोजन और 5 उसके बाद कार्यक्रम करते आ रहे हैं। भीम भोज जो 14 अप्रैल को नाना राव पार्क में मनाया जाता है, उसके लिए साल में एक बार आप लोगों से सहयोग लेते हैं और उस पैसे से नाना राव पार्क में 12,000 आदमियों के लिए भोज की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद बुद्ध जयंती को 500 आदमी का खाना या प्रोग्राम की व्यवस्था भी उसी पैसे से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संस्थान जैतनगढ़ उज्जैनी में की जाती है। फिर धम्म दिवस दशहरे के दिन भी उसी प्रोग्राम को लोगों का खाने पीने की व्यवस्था भी उसी पैसे से की जाती है। उसके बाद 6 दिसंबर को डॉक्टर अम्बेडकर साहब के परिणाम दिवस पर भी व्यवस्था उसी धन से की जाती है और जो पैसा बचता है उससे एक पिकनिक का प्रोग्राम उन सहयोगियों के परिवारों को किया जाता है, जिससे परिवार को पता चले कि उनके आदमी जो सहयोग दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है और हम लोग उसके यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये महसूस करें कि हमारे हस्बैंड के या हमारे भाई के या पिता के कितने लोग दोस्त हैं और आपस में मिलते हैं, परिचय हो, एक दूसरे का साथ दें, जिससे आने वाले समय में हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें। समाज का जैसा वातावरण चल रहा है देश में, आगे चल के नौकरियाँ लोगों पास नहीं रहेंगी, तो हमने एक स्कूल का निर्माण सफोल में कराया है जिसमें सुरक्षा के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी जीविकापार्जन की, जिसमें सभी तरह के काम चाहे वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो, चाहे फ्रिज रिपेयर हो, चाहे एसी रिपेयर हो, चाहे कार सिलाना हो, जो भी काम सीखना चाहें बच्चे सुरक्षा के उनको फ्री ऑफ कास्ट सिखाएंगे। जब तक हमारा जीवन चल रहा है मैं चाहता हूँ कि हमारे इकट्ठा हुए साथियों में वो ये भावना रखें कि वो स्कूल को बंद न होने और आगे चल के उसकी देखरेख करते जाएँ और उसके क्योंकि दूर से जाएंगे बच्चों के लिए राशन की व्यवस्था करनी है, तो आगे सहयोग भी इस तरह का दें कि वहाँ छत पड़ के लोगों को रहने की व्यवस्था भी की है। तो मैं सभी लोगों को फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ और समाज में मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि 50 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत जगह थोड़ा हीन भावना भी होती है। जब मैं CMO होते हुए भी और 80 साल की उम्र में किसी के दरवाजे जाएँ और वो आदमी बाहर से ही जवाब दे दे कि हम बाथरूम में हैं या हम नहा रहे हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। आप न दें चंदा, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन आप बैठाइए, बात करिए, एक कप चाय भी पिला ही सकते हैं और कह दीजिए हमारे साथ ये व्यवस्था है, इस बार हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। या वो उनके परिवार 2-3-4 लाख रुपया कमाते हैं, उनके दरवाजे पर जाके वो 500 रुपया या 1,000 रुपया दिखाते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। ये कष्ट होता है कि ये कोई भीख नहीं है,
जो आप दे रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बनाया है कि आप समाज की सेवा करें, खुद नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उनको मौका दीजिए कि वो समाज की सेवा करें। ये नहीं कि आपके दरवाजे आया आपको देने हैं तो आपने 500 रुपया दिखाया कि भीख की तरह दे दिया। ये मुझको बड़ा हीन भावना लगती है कि मुझको आप वो कर रहे हैं, डिमोनेटाइज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके दरवाजे जो संस्था के लोग आते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहन दीजिए और यथासंभव उनका सहयोग करिए। जिनके पास नहीं है, बाबू हैं, चपरासी हैं, उनसे हम लोग नहीं कहते हैं कि आप दीजिए, लेकिन जो कर सकते हैं उनको पूरी तरह से तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरी अपेक्षा है। और मैं 40 साल से एक करता रहा हूँ, मैं सभी लोगों का फिर से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है, उसके बाद 3 यहीं की गाड़ियाँ आएंगी, आपके बच्चों लेडीज को जो भी जाना चाहें उसमें फ्री यहाँ पे घूम करके चिड़ियाघर में उसकी व्यवस्था हमारे अहवा साहब ने की है। अहवा साहब की तरफ से व्यवस्था चिड़ियाघर की जाती है। मैं, मेरा परिवार, मेरे आए हुए सहयोगी सभी डीआर अहवा साहब को बहुत से साधुवाद देते हैं। मेहरबानी करके क्योंकि चिड़ियाघर में हमारा हर साल कार्यक्रम होता है, सभी लोगों से अनुरोध है कि कोई ऐसी अव्यवस्था ना होने पाए जो कि नजदीक बन जाए। और अभी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, आपको बच्चों को जो है बड़े शहर से सबको दिखाया जाएगा, स्टाफ हमारा तैनात रहेगा, तो कोई इस तरह की भूल ना हो जाए कि जो है जितना में अगली बार जो है दिक्कत हो, उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग आमंत्रण है कि आप कुछ ज़्यादा समय न देखेंगे। अगर 4:30 बजे से हमारे जो बारे बंद हो जाते हैं तो आप लोग तुरंत खाना खा के घर में यहाँ आ जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे बातें, अगर जो है ज़्यादा लोग हों तो पैदल भी आप लोग घूम सकते, बच्चों को बैठा दो गाड़ी में, आगे थोड़ा वॉकिंग करते हुए भी आप लोग, बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई मतलब ऐसा मैसेज ना चला जाए जिसको हमें प्रशासनिक जो है दिक्कत हो अगली बार। वैसे आगे आने वाले समय में गाड़ियाँ कम से कम, यहाँ मैं बता दूँ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ डायरेक्टर की भी गाड़ी जो है बाहर खड़ी होती है चिड़ियाघर के बाहर, लेकिन ये आप लोगों का स्नेह कि आप लोग जो है सब लोग गाड़ी के अंदर भी यहाँ ना हो, और ये चिड़ियाघर प्रशासन को हम इसका धन्यवाद देते हैं। आप लोग कृपया ध्यान रखें, लंच लें, उसके बाद फिर आप लोग चिड़ियाघर का, क्योंकि मुझे जो है अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी में बैठक है, तो मैं तुरंत आपसे क्षमा चाहते हुए निकल जाऊँगा, बाकी आप लोग बात करेंगे। आप श्रीमान से निवेदन है कि दर्पण भारत चैनल और समाचार पत्र को निम्नलिखित खाते में आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि बाबा साहब के सपने को साकार किया जा सके। खाता संख्या 3349662102020, IFSC कोड SBIN 0001784, भारतीय स्टेट बैंक, PPN बाजार, कानपुर। अखबार को पढ़ने के लिए www.dbindia.org.in में पढ़ सकते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।